तो यार जैसा कि तुमको पता ही होगा, इस गेम का नाम नोराज ड्रीम है और इसमें नोरा नाम की एक लड़की है जो बीमार रहती है और ये गेम बेसिकली उसके ड्रीम के ऊपर है। तो चलो शुरू करते हैं। इस पार्टी को पहले पिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, इस लेटर को पढ़ लेना है। इसे पता नहीं ये लेटर्स कहाँ से आते हैं, बट ये लेटर्स हिंट देते हैं जो कि हमें आगे काम आने वाले हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। इस गेम में कई सारे हिंट्स आते हैं जिन्हें हमें याद करके रखना है और आगे काम आने वाला है। तो जैसा कि तुम पेन वेन भी ले सकते हो काम करने के लिए, और यहाँ पे जैसे कि एक हिंट था जिसमें तीन डॉट्स बने हुए थे, और एक और हिंट आने वाला है जिसमें पहला डॉट फिल्ड है और नीचे के दो डॉट्स खाली हैं, और एक ऐसा ही एक और आएगा जिसे हमने बाद में देखना है, उसे याद करके रखना है। तो हम पहले चलेंगे फॉक्स के पास। तो यार ये जो मैं बाल्टी में पानी भर के ये फूल उगा रहा हूँ, ये आगे के कई लेवल्स बाद में काम आने वाला है, नए डायमेंशन में, उसकी चिंता हम बाद में करेंगे। पहले हम ये फूल ले लेते हैं, और एक बारी और मैं फूल ले लेता हूँ जो कि इसी दोनों मतलब जगह में पड़ेगा, और बाकी वाला तीसरा वाला फूल हम नए डायमेंशन में जाके ले लेंगे, और उसके बाद हम मिलेंगे फॉक्स। तो ये हमारा दूसरा फूल मिल गया और हम फॉक्स के पास चलते हैं, देखते हैं ये क्या बोलती है। तो यार ये बेसिकली बोलती है कि एक स्पाइडर लेके आओ जिसके ऊपर शहद लगा हुआ हो, जो इसके ब्रिज के उस पार वाले में है एरिया में। तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो यार बेसिकली नए डायमेंशन में जाने के लिए एक और हमें पजल सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें ये जो दोनों पिलर्स के बीच में ये जो पिंक पर्पल पर्पल रेड एंड येलो कलर का फ्लावर है, इसका कलर हमें याद रखना है और अगले में ही यूज़ करना है। तो यार चलो अगले पजल को खोजते हैं, और ये थोड़ा भूल रहा है, तो कोई नहीं, इस लेटर को पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि हर लेटर एक हिंट होता है। तो बेसिकली इसमें कुछ खास हिंट है नहीं, इसमें इसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं, और मेरे ख्याल से ये अगले ब्रिज में पड़ने वाला, ब्रिज के उस साइड पे। ये रहा, तो हम इसमें एंटर करते हैं, और चूंकि देखो ये मैंने एंड के लिए लगा दिया, तो पहला रेड पिंक, फिर पर्पल पर्पल रेड, और ये येलो। पर्पल को कर लेते हैं, पहला पर्पल हो जाएगा, दूसरा भी, फिर ये पजल सॉल्व हो जाएगा। पजल हमारा सॉल्व, नए डायमेंशन में चलते हैं। जो हमें स्पाइडर्स मिलेंगे उनमें से हमें एक को कैच करना है। तो ये हिंट था जो मैंने फिर से लगा दिया याद रखने के लिए, एक को पकड़ लेना। चलो एक पकड़ लिया, अब उस शहद के पास चलते हैं, वहाँ शहद लगाते हैं और फिर उसको फॉक्स को देना है, इजी पीजी। चलते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं। ये बाल्टी का पानी उसी डायमेंशन में काम आएगा, लेकिन एक और पजल सॉल्व करने के बाद, उसकी चिंता बाद में करेंगे। पहले स्पाइडर पे शहद लगाया, फॉक्स के पास चलते हैं, उसकी पेट पूजा कराते हैं, और फिर वो हमें देगी एक हथौड़ा जिसे हम करेंगे एक शेप का पर्दाफाश। अभी ये नीचे दिख रहा है, हैमर मिला हमें। अब ये फोर स्टेप्स जो फॉक्स के पास से होते हुए आ रहे हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है इसको लेने के बाद। तो हम पहुँचते हैं एक पत्थर के पास जिसे हमें फोड़ना है। यार तो बेसिकली मुझे कैसे पता चला इसे फोड़ना है, जो हम पत्थर के पास आए थे तो ऊपर साइड में जहाँ पॉज का बटन है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के आता है, उस पर टच करोगे तो पता चल जाता है। अब यहाँ पे हमें एक और पजल सॉल्व करना है, वो पेड़ वाले हिंट्स में याद है वही यूज़ करना है।
तो डॉट्स या अगर याद होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लौट के एक बारी चलते हैं और फिर देख के आते हैं कि कहाँ कहाँ थे वे हिंट्स। तो यार हम सीधा ऊपर चलते हैं, वहाँ एक पेड़ है, वहाँ हमें एक तीसरा हिंट मिल जाएगा जिसके ऊपर के दो डॉट्स फेल्ड है और नीचे का एक खाली है। तो मैं हिंट के लिए एक लगा दूंगा अभी, पर अभी चलते हैं नए डायमेंशन में जहाँ हमें इन हिंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। नए डायमेंशन में हम पहुँच गए हैं और ये रहा पजल। तो यार तीन ब्रांच वाले ट्री में पहला फिल करना है, दो ब्रांच वाले में नीचे के दो फिल करते हैं और लास्ट वाले में ऊपर के दो फिल कर देने हैं। सिंपल, और ये पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से पजल्स आने वाले हैं। चलते हैं, यहीं लेफ्ट साइड में एक और पजल है, उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि हाँ, तो ये वर्ड के पैरों के निशान वाला है और ये हमें मिलेगा पिछले डायमेंशन में जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे हमें एक बर्ड को ज़बरदस्ती डरा के धमका के भगाना पड़ेगा और उसे उस जगह पे ले जाना पड़ेगा, उस निशान पे। उसके पांव जब तक पड़ेंगे नहीं वो निशान हमें मिलेंगे नहीं। तो चलते हैं अपने इस अजूबे मिशन पे, इसी को हम भगाते हैं। चलो अब इसको क्या करना है, पीछे जैसे जैसे जाओगे ये आगे भागता जाएगा, ज़्यादा टाइम लोगे तो फिर रिटर्न होने लगता है, पर हमें हार नहीं माननी है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हाँ नहीं होती। जाएगा जाएगा, भाग गया, कोई नहीं, वंस मोर वंस मोर। अब की बार तीर लगा निशाने पे, जाओ जाओ, चला जा भाई। ये ले, कोई नहीं, हम फिर से ट्राई करते हैं, अब की बार ये फिनाले है, इसके बाद खत्म कहानी, फिर निशाने पर होगा कब्जा हमारा। हो गए कामयाब, और ये मेरा निशान याद कर लो भाई इसको। ठीक है चलते हैं अपन, तो यार इस गेम की सबसे अजीब बात क्या है ना, ट्रैवल बहुत करना पड़ता है और वो भी टच टच कर करके। कोई नहीं, हम उसी डायमेंशन में वापस चलते हैं, फॉरेस्ट में, सूखे हुए घने जंगलों में भाई, फिर वहाँ पे करेंगे मज़े। अभी ये ब्रिज क्रॉस करके फिर वो निशान जैसे जैसे थे हमें वैसे वैसे ही डाल देना, वो थोड़ा स्लाइड एंड एडजस्ट वाला है तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है कभी कभी, पर अगर थोड़ी होशियारी से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई नहीं, मुझे खुद ही नहीं आता। मैंने ऐसे कर दिया फास्ट फॉरवर्ड और मैं अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहा नहीं चाहता, तो मैं ऐसे किसी तरह कर ही लूँगा, पर तुम थोड़ी सावधानी से करना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में मैंने इसे थोड़ा स्लो डाउन कर दिया ताकि तुम देख सको कि इसकी एंडिंग कैसे होती है। अच्छा लगे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो ताकि बाद में फिर से वीडियो ना प्ले करना पड़े, पर जैसा तुम्हें ठीक लगे। और ये हमारा पजल सॉल्व होने वाला है, बस सॉल्व हो गया। और ये मिला हमें नया शेप, कुल मिला जुला के पांच शेप्स ऐसे मिलते हैं जिसमें से दो हमें मिल गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यू लोग क्या बोलता है,
तो यार बेसिकली ये बोलता है कि ऐसे ट्यून सुनने हैं, ये सीडी लगा के हमेशा करना पड़ेगा पीछे आकर के, पर उसकी चिंता बाद में करेंगे, पहले ये वाला पज़ल देख लेते हैं। ये फूल यहाँ से मिलता है तो ये फूल ले लेते हैं, और फूल वाली झंझट ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से, जो कि आगे काम आने वाला है, पर इसको भी हम पोस्टपोन कर देते हैं अब ये पज़ल सॉल्व करने के लिए। हाँ, हमें पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे फ्रॉग्स थे, इसी शेप में बैठे हुए थे। तो चलते हैं पहले डायमेंशन में, और वहाँ पे फ्रॉग्स के बीच में खड़े होने पे कुछ हिंट मिलता है। चलते हैं, टड़ा टड़ा। तो हमें ब्रिज के इसी साइड वो मिल जाएंगे। चलते हैं, वो एलो जगह पे खड़े होने को। अगर तुमने गौर किया होगा तो वो एक पर्टिकुलर ट्यून में बोल रहे थे। फिर से चेक कर लेते हैं। फ्रॉग्स को बोलने का ऑर्डर ये था, पहले लेफ्ट वाला बोलता है, फिर फ्रंट वाला एक बारी बोलता है, फिर अप साइड वाला दो बारी बोलता है, फिर राइट साइड वाला तीन बारी बोलता है, फिर अप साइड वाला एक बारी बोलता है। इसी ऑर्डर में हमें उस स्लाइड को स्लाइड कर देना है। तो हम चलते हैं फिर से घने जंगलों के बीच पे दहाड़ते हुए, और उस पज़ल को फटाफट स्लाइड करके आगे की खोजबीन जारी रखते हैं। सेम टू सेम उसी ऑर्डर के तरह, दो बारी अप साइड, तीन बारी लेफ्ट राइट साइड, और एक बारी अप साइड, और ये सॉल्ट। करने के बाद हमें जाना होगा और फूलों की कुर्बानी देनी पड़ेगी उनके असली जगह पे, और हमें वहाँ मिलेगा हिंट। तो चलते हैं, यार तुम कभी भी वो क्वेश्चन मार्क वाले साइन पे क्लिक करके जान सकते हो कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, इसलिए तुम्हें बराबर क्वेश्चन मार्क वाले पे ध्यान देना होगा। तो हमने साइंस देख लिए और इन्हें याद कर लिया, और अब पहले एरिया में चलते हैं, वहाँ इनका यूज़ होगा। डायमेंशन को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, और पहले एरिया में पहुंचना पड़ेगा। तो यार अब हम ब्रिज क्रॉस करके पहुँचते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमें करना है ये जादू का खेल। और इसके बाद अगर तुम्हें साइंस याद हो तो तुम आसानी से उनको ऑर्डर में कोट कर सकते हो, क्योंकि मुझे याद है लेफ्ट टू राइट ये होता है, तो लेफ्ट टू राइट मैंने याद कर लिया। और ये हो गया सॉल्व। तो यार देर किस बात की, और चलते हैं नए डायमेंशन में। चूँकि ये ड्रीम है तो इसमें डायमेंशन चेंज होते रहते हैं, पर ये ऐसा डायमेंशन है तो इसमें इसका भाई बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब ये क्या प्ले स्टोरी है इसके पीछे, इसका भाई बूढ़ा कैसे हुआ मुझे पता नहीं, पर ये दिखाते हैं कि ये एक अलग है यूनिवर्स है जहाँ इसके खुद के रूल्स हैं। तो यार यहाँ इसका भाई बताता है कि बड़े तारा जो होता है छोटे तारे से पहले डाई आउट कर जाए, पर यार हमें उसे टेलीस्कोप के पास जाके करना होगा, तो हम उसे बाद में देख लेंगे। चले चलते हैं दूसरी जगह और देखते हैं हमें इस पज़ल को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो सूखे जंगलों में वहाँ ढेर सारे पेड़ थे, चार ऐसे पेड़ थे जिन पे साइंस बने हुए थे कुछ, तो हमें उन्हीं साइंस को वहाँ से देख करके याद रखना है और यहाँ भर के उसी ऑर्डर में पुट कर देना है। तो पहले हम चलते हैं उन सूखे घने जंगलों वाले डायमेंशन, तो
हमें यहाँ से नीचे वाले जो पोर्टल है उसका यूज़ करना होगा, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। चलते हैं। तो ये हम घने जंगल के बीच, ठीक है। तो यार ये तुम ध्यान दोगे तो इस पेड़ पे एक एरो बना हुआ है, वो दिखाता है कि इसके बाद वाला दूसरा हिंट नीचे है। अगला एरो दिखाता है कि राइट साइड में है, हम राइट साइड में चलेंगे। और ये ट्री दिखाता है कि अगला हिंट इस डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में। तो यार बेसिकली जो सर्कुलर फॉर्म में या फिर थोड़ा सा कर्व फॉर्म में जो बना हुआ ना हिंट, वही है, और हमें याद करके रखना है उसको और यूज़ करना है। तो हम चलते हैं वापस वहीं पे। तो यार हमें यही पोर्टल यूज़ करके, जो कि फर्स्ट पोर्टल है, उसी डायमेंशन में जाना होगा जहाँ उसका भाई है। और हम चलते हैं उसी पजल के पास, और हमने ट्री से सारे साइंस याद ही कर लिए हैं, तो हम उसी ऑर्डर में डाल देते हैं, जो कि फर्स्ट वाला ऐसा था, और सेकंड वाला वहाँ 3 का था, थर्ड वाला 2 का था, और फोर्थ वाला जो है हमारा वो सेमी सर्कुलर अपर साइड में रहेगा। चारों डाल दिए और ये हमारा मूव करने के लिए जो जॉयस्टिक टाइप का है, ये अनलॉक हो जो है। अब हम उस पार्ट को मूव कर सकते हैं ऐसे। तो यार ये एक रॉकेट काइंड ऑफ है, और इसमें जो बॉल्स दिख रहे हैं वो कलर्ड बॉल हैं, हमें मूव करने पे मिलेंगे आगे गेम में। हमें उसी ऑर्डर में उन्हें सेट करना है, जैसे जो अप साइड है उसको अप साइड में, जो डाउन साइड है उसको डाउन साइड में। तो गेम खेलते वक्त उसको ध्यान दे के देख लेना, क्योंकि मुझे याद है मैं इसको पहले भी खेल चुका हूँ। तो मैं उसी ऑर्डर में कर देता हूँ, पहले अप फिर डाउन, फिर ग्रीन वाला अप रहेगा, तो हम ग्रीन वाला चलते हैं उसके भाई के पास। उसका भाई जहाँ बैठा हुआ वो ग्रीन वाला है एरिया, तो अब इसको अप साइड कर देते हैं। और फिर हमें ब्लू वाले पे चलना है, तो ब्लू वाला हमारे राइट साइड में है, वहाँ चलते हैं। उसे एक बारी अप करते हैं, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, 3 बारी करना है, अप डाउन अप। तो यार इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट बॉल की, वहाँ चलते हैं। इसे डाउन साइड करना है हमें, डाउन साइड कर दिया, अप साइड। तो यार बेसिकली तुम्हें उस बॉल के ऑर्डर को या तो तुम नोट करके याद कर लो, या फिर दिमाग में याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, इन बॉल्स को वैसे ही मूव कराना है। इससे क्या होता है, वो रॉकेट लॉन्च होने की प्रोसेस में आ जाता है, मतलब उस स्टेज में आ जाता है कि वो स्टार्ट हो सके। अब चूँकि तुम्हें हिंट याद ही होगा, पहले बड़ा वाला टच करना है। सारे बड़े वालों को हम पहले टच कर लेते हैं, और छोटे वाले को बाद में। हमें तीसरा शेप मिल गया। तो यार बेसिकली इन शेप्स का क्या काम है, ये शेप्स जो है लास्ट में, गेम के सबसे लास्ट में काम आते हैं। और चलते हैं हम वापस, और उस उल्लू का जो पजल था उसको देखते हैं क्या होता है। पहले यहाँ बात कर लेते हैं इससे। तो यार इसका भाई भी मुझे लगता है कि एक कोई फायर या कुछ देता है, देखते हैं। तो यार इन फायर्स का भी यूज है। तो यार हमें कुल मिला जुला के 3 फायर्स मिलते हैं और 5 शेप्स। तो हमें 2 फायर्स पहले मिल चुके हैं, और एक जो है वो उल्लू देगा। तो हम उसी के बाद चलते हैं, और चूंकि उसका पजल जो है उसमें हिंट था कि उसके सीडी को प्ले करना है, तो हम चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस घर में। वहाँ एक सीडी प्लेयर रखा हुआ है पुराने टाइप का, उसमें उस सीडी कैसेट लगाएंगे और उसको प्ले करेंगे,
फिर इसके ट्यून्स को याद कर लेना यार तुम्हें, मैं चुप हूँ। तो यार अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो पहले बीप बजता है, उसके बाद ट्यून बजता है, फिर तीन बीप बजता है, फिर ट्यून बजता है, फिर दो बीप बजता है, फिर ट्यून बजता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया गेम में कि पहले हमें गेम सॉल्व करने के लिए तीन बीप वाला डालना पड़ता है ट्यून। मैंने यार किसी तरह इसको पार किया हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आता किस तरह से होता है। तो यार अगर तुमको समझ में आ जाए तो कमेंट में लिख देना, मुझे तो नहीं समझ में आया, पर खैर मैंने किसी तरह से उसको पार कर दिया। चलते हैं कैथेड्रल में और वहाँ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं तो हमें उसे बजा देना है। तो क्योंकि हमें उसका रास्ता मिला ही है, उन पत्तों के ऊपर से जाना है। चलते हैं, यार ये जो चर्च है या इसको बेसिकली गेम में कैथेड्रल कहा गया मुझे पता नहीं, इसको प्ले कर देना। तो यार ये ऑर्डर तुम याद कर लेना क्योंकि ये मुझे तो समझ में आया नहीं ये पार्ट, हो सकता है तुम्हें समझ में आया हो। तो यार इस गेम के सॉल्व होते ही हमें एक अगला शेप मिल जाएगा, ये चौथा शेप हमें मिल चुका है। चलते हैं वापस, तो यार चूँकि बेसिकली कि उस आउल का पजल था तो वो आउल हमें कुछ ना कुछ देगा ही देगा, तो हम चलते हैं उसके पास और ये तीसरा फ्लेम देगा हमें। हमें इन फ्लेम्स का यूज़ जो है वो उसे के भाई वाले डायमेंशन में करना है। इसमें हमने जॉयस्टिक से मूव कराया था और जहाँ रॉकेट था, तो हम चलते हैं वापस से वहाँ पे, और वहाँ जाने के लिए हमें इस डायमेंशन से निकलना होगा पोर्टल का यूज़ करके और उसी पहले डायमेंशन में जाना होगा और वहाँ के पोर्टल का यूज़ करके हमें वहाँ पहुँचना होगा उस डायमेंशन में, रॉकेट वाले डायमेंशन में। तो चलते हैं और यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके हम जो दूसरा पहला पोर्टल है उसका यूज़ करके हम पहुँच जाएंगे रॉकेट वाले डायमेंशन में। तो यार अब हमारे पास तीन फ्लेम्स हैं तो हम उस नीले वाले एरिया में चलते हैं और वहाँ पे उन तीनों फ्लेम्स को एक जो जगह है वहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हमें वहाँ से एक बड़ा फ्लेम मिलेगा और फिर हमें लौट के वापस जाना पड़ेगा। एक केव है पहले डायमेंशन के पहले एरिया में, वहाँ से पांचवा शेप मिल जाएगा फाइनली और ये आगे पीछे वाला ट्रैवलिंग का सारा किस्सा ख़त्म होगा और हम इस गेम को फाइनली ख़त्म करने की ओर एक लास्ट स्टेप छोड़ेंगे और इसे ख़त्म कर देंगे उसको भी। तो चलते हैं इस फाइनली फ्लेम को लेकर के पहले डायमेंशन के पहले एरिया में। तो यार गेम में एक ऐसा पार्ट भी है जिसमें ये बताते हैं कि साइड में चलता रहता है ये कहानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी डेथ होती रहती है और पूरी फैमिली शॉक में है और मेरे ख्याल से सब लोग बातें करते हैं तो उसको सुनाई पड़ता है, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एज ए लेटर देखता है। चूँकि ये पूरी कहानी ड्रीम की है, पूरा गेम प्ले ड्रीम में है तो सारी कही सुनी बातें उसको लेटर के जरिए सुनाई पड़ती हैं। पांचवा शेप पा लिया और चलते हैं।
वापस, और फिर हमें रॉकेट से चलना होगा। उसके पहले ये हिंट देख लो, ये हिंट की डेट है 28 सितंबर, इसको याद रखना है। ये सबसे लास्ट पजल जो है उसमें काम आता है, फिर उसके बाद गेम एंड हो जाता है। तो डेट है 28 सितंबर, चलते हैं। तो यार बस रॉकेट पहले ही हमने सॉल्व ही कर लिया है, ऑर्डर वाला बॉल के ऑर्डर का गेम। तो बस रॉकेट के अंदर जाना है और रॉकेट स्टार्ट हो गया, हमें नए डायमेंशन मिले जाएगा। तो यार हम बिना फ्यूल के रॉकेट में बैठ के आ चुके हैं नए डायमेंशन में। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड है इसका, काफ़ी क्रिएटिव भी है, क्योंकि बिना फ्यूल का रॉकेट उड़ा दिया उसने कोई नहीं। हम चलते हैं। गेम के स्टार्टिंग में एक शेप था, अगर तुम्हें याद होगा, जिसके सराउंडिंग पांचों शेप्स की फिक्स्ड पोजीशन है। तो हमें उसी फिक्स्ड पोजीशन में पांचों शेप्स को रख देना है, और ये पजल जो कि लास्ट से दूसरे नंबर वाला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और चलते हैं, हम एक बारी चेक कर लेते हैं कि वो पोजीशंस थी क्या। तो यार देख लो, मैंने क्वेश्चन मार्क पर टिक किया और इसने बताया कि क्या करना है, तो मैं चलूँगा अब चेक कर लूँगा एक बारी। तो यार ये देखो, ये है उसका पोजीशन, तो हम एक ऐसे ही पुट कर दे रहा हूँ उन्हें। यार मैं तो कहूँगा कि इस गेम को सॉल्व करने के लिए तुम एक कॉपी पेन लेकर ही बैठो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंट्स भूल जाते हैं और वापस लौट के जाना पड़ता है, तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो स्क्रीनशॉट से भी काम नहीं चलता, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लेके नहीं बैठा था और मैंने कई बार इसको भुगता है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम लेकर बैठो, वरना कोई बात नहीं। तो यार ये हमें, ये हमने सॉल्व कर लिया है, और जैसा कि तुम्हें याद ही होगा 28 सितंबर था। तो तुम उस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके देख लेना कि नया दिन है या नहीं है, तो पता चलेगा तुम्हें। तो 29 सितंबर कुल मिला जुला के तुम पुट करोगे ही करोगे, क्योंकि ये गेम की कंडीशन है। तो यार ये गेम का एंडिंग है, और ये देखो हॉस्पिटल का सीन है, एग्जिट लिखा हुआ है, और होपफुली तुम पूरा एंडिंग देख के जाना। और यार लाइक शेयर कमेंट कर देना मन करे तो, वैसे कोई बात नहीं।